हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह से खास बातचीत की। कोरोना को लेकर जेल में तैयारियों का उन्होंने ब्यौरा दिया। जेलों में कई कैदी कोरोना पॉजिटिव आए हैं, ये उनका कहना रहा। कैदी से मुलाकात के लिए बीच में शीशा लगाया गया है। तो आपको बता दें कि जेल में भी लगातार कोरोना संक्रमितों के सामने आने से इस समय फिलहाल प्रशासन की जो चुनौतियां हैं वो दोगुनी हो चुकी है। ऐसे में रणजीत सिंह की ओर से कहा गया कि जेलों में जहां कई कैदी कोरोना पॉजिटिव आए हैं, वहीं अब कैदी से मुलाकात के लिए बीच में शीशा लगाया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कैदी से मुलाकात के लिए बीच में शीशा लगाया गया है। हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह से खास बातचीत, क्या कुछ उन्होंने कहा सुनाते हैं आपको। कोरोना को लेकर के जहां आम लोगों को सजग रहने की ज़रूरत है, सरकार की तरफ से लगातार इसे लेकर के जो निर्देश हैं वो जारी किए जा रहे हैं, लोगों से अपील भी की जा रही है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। लेकिन इस माहौल में जेलों के अंदर क्या स्थिति है, जेल में कैदी किस प्रकार से जो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको पालन कराया जा रहा है, हमारे साथ जेल मंत्री रणजीत सिंह हैं, उनसे ही जानते हैं। सर, जेलों के अंदर अगर हम बात करें, नए कैदी भी आते हैं, पुराने कैदी भी हैं, किस तरीके से प्रोटोकॉल को फॉलो कराया जा रहा है, खासतौर से कोरोना को लेकर के, और क्या स्थिति है, क्या जेलों से भी कुछ मामले सामने आ रहे हैं? देखिए, पिछले बार जो दो कोविड आए थे उनसे खासा में अपने आप को एक्सपीरियंस मिल गया हमारे सुपरिटेंडेंट जेल को भी, DGP साहब को भी, तो पहले से बहुत सावधान है। हमें बहुत ज़्यादा जो पहली बार देख के हमें साहब ने देख रहे थे वो अब के पहले से ही सीख गए। हमारे जेलों में ऐसा अभी कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है कोई। हालांकि दो दर्जन कैदी ऐसे मिले हैं, फरीदाबाद में ज़्यादा मिले, आधे से ज़्यादा फरीदाबाद में हैं, बाकी जेलों में एक एक दो दो, और वो भी वो लोग हैं जो बाहर से आए हैं, हमारे अंदर वाले लोगों का नहीं है। जैसे फ्रेश केसेज आए हैं, या तो सजा होकर कोई आदमी अंदर नया जेल में आया, या फिर वो लोग हैं जिन्हें जो पैरोल पे गए थे वापस आए हैं, उन्हें बार हम चेक करते हैं अंदर जाने से पहले, उन्हें जब जिस पे शक हुआ उसे क्वारंटाइन कर दिया, तो सब क्वारंटाइन करके रख दिया। जेल में अभी कोई कैदी ऐसे नहीं मिले, तीन आदमी हमारे मिले हैं, एक रोहतक सुपरिटेंडेंट जेल, दो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल वहीं रोहतक के, उन तीनों को हो सकता है आपस में एक दूसरे से हो गया, तीनों को क्वारंटाइन करके हमने रख दिया, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, मेडिकल एड दी जा रही है। इसके बाद भी सावधानी पे हम दो दो बारी मेडिकली एग्जामिन कर रहे हैं। पुराने जो कैदी हैं जो जेल के अंदर ऑलरेडी हैं, हालांकि वो तो अपने आप में आइसोलेशन में है, लेकिन क्या वहाँ भी किसी तरीके के प्रोटोकॉल जिस तरीके से बाहर लोग आम लोग कर रहे हैं, मास्क को लेकर के, सैनिटाइजेशन को लेकर के, क्या ऐसी व्यवस्था उनके लिए भी? हमारे सुपरिटेंडेंट जो है वो रोज़ हमें अपडेट करते हैं हर बात के लिए, रोज़ शाम को DGP से मुझे बता रहे हैं, और बहुत प्रिकॉशन दिए जा रहे हैं वहाँ, ये पूरा प्रचार किया जा रहा है जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कि अपने आप को बहुत सेल्फ कंटेन करें, मास्क लगाएं, सोशली डिस्टेंस करें, शेयर भी करते हैं तो आपस में ध्यान से करके। जेलों में मुलाकात को लेकर के भी कोई आपने विशेष प्रबंध इसको जो फिजिकली जिसे कहते हैं कि जैसे पहले होती थी मुलाकात, बीच में एक सरिया लगा होता था और खिड़की के बीच में आमने सामने बात होती थी, अब उसका कि एक दूसरे को कोई वायरस ना जाए ये करके अब हमने उसमें ग्लास कर दिया, और इधर से उनमें वीडियो कॉल से उनसे टेलीफोन पर अपनी बात करते हैं, वहीं सामने सामने बैठा कर, यानी मुलाकात को लेकर के कोई दूसरे को देखते रहते हैं, बातचीत हो जाए, मुलाकात को लेकर कोई दिक्कत नहीं है जेलों में फिलहाल इस व्यवस्था के बाद? वो हम नहीं चाह रहे कि हमारे जो कैदी हैं वो डिप्रेशन में जाए, इस करके हमने कर दिया, मुलाकात हो रही है। जो नए कैदी हैं उनके लिए भी यही प्रोटोकॉल है? सभी के लिए यही किया, कैदी में सब एक से है। बिजली मंत्रालय भी आपके पास है, क्या कुछ खास जो है इस मौके पर किया जा रहा है, जब बरसात का मौसम है किसानों के लिए जो पानी का जल भराव है उसे कम करने के लिए? परसों रात से हमें कुछ लोगों के फ़ोन आए कि साहब हमारे आलू डूब रहे हैं यमुनानगर इस साइड में, अम्बाला में और करनाल से भी था, उसके बाद रोहतक सोनीपत से ही आए कि हमारी ज़्यादा बरसात होने से सारा जज्जर में पानी डूब रहा है, वो फसलें डूब गई, गेहूँ डूब गया, आसन गाँव रोहतक से भी फ़ोन था, तो मैंने तुरंत कह दिया कि भाई यहाँ 24 घंटे बिजली दो, हमारे शब्द के ये है जहाँ पानी खड़ा है उस जगह 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, उन्हें निकालें। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर एक और, जहाँ जेलों के अंदर पूरे कोरोना प्रोटोकॉल जो है उनका पालन कराने का काम किया जा रहा है, और जो नए कैदी हैं उन्हें क्वारंटाइन करने की व्यवस्था है, इसी के साथ साथ जो जल भराव हुआ है हाल ही की बारिश की वजह से खेतों के अंदर, उसे ध्यान में रखते हुए गाँव के अंदर 24 घंटे बिजली जो ऐसे गांव हैं उन्हें चिन्हित करके देने का काम हरियाणा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। चंडीगढ़ से कैमरामैन सूर्या के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।